एक बार फिर हमें यह समय दिया है कि मन के नवीनीकरण के बारे में हम अपने अध्ययन क्रम को आगे ले जा सकें। हमने इससे पहले वाले अध्ययन में यह सीखने का प्रयास किया था कि मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना। एक्चुअली इंग्लिश में दोनों जगह मेडिटेशन मेडिटेशन आया है, परंतु यदि आप हिंदी में उसको अनुवाद करें तो दोनों मेडिटेशंस में अंतर है। एक्चुअली हिंदी में इन शब्दों को इस प्रकार से रचा गया है जिसको आपको समझने की जरूरत है। नंबर वन, जब हम अपने मन के विचारों को खाली करते हैं, इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान मीन्स टू रिमूविंग द थॉट्स, इमेजिनेशंस एंड द हायर थिंकिंग्स, सो दे मे नॉट कम इन आवर माइंड। एम्प्टिंग आवरसेल्फ, खाली करना, टू मेकिंग वैक्यूम टोटल। सी इधर देखो, जो जब हम बहुत छोटे थे तो विज्ञान में, साइंस में हमको पढ़ाया गया था शायद सिक्स और एट क्लास में, कि दो लोहे के बड़े बड़े कटोरों को जिनकी जो सतह है बहुत चिकनी है, उनको किनारे किनारे लाया जाए और उसमें एक पाइप लगाकर उन दोनों कटोरों के बीच की जो हवा है करके सक कर ली जाए, खींच ली जाए, और इन दोनों कटोरों के बीच में शून्य पैदा किया जाए, तब इन दोनों कटोरों के दोनों हिस्से में जो लोहे के कड़े लगे हैं उसमें से एक कड़े में आठ घोड़े और दूसरे कटोरे में आठ घोड़े लगा करके इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ताकत लगाए जाए, तो 16 घोड़ों का पावर भी इन दोनों कटोरों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूम में, जीरो में, खाली में ऐसा पावर क्रिएट हो जाता है कि 16 घोड़े भी इस कटोरे के अंदर जो पावर क्रिएट हो गया है उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। कितने लोगों ने ये वाला साइंस में पढ़ा है, हाथ उठाएं। वेरी गुड, राइट। हाँ, इफ यू विल टेक द टू बॉल्स, आयरन बॉल्स, देयर सरफेस इज वेरी क्लीन and sharpen, put together and remove the air from the that ball and try to create zero, and then put two hooks other side and one side eight horse and another side different side eight horse, and these 16 horses power, they try to separate the ball, but you cannot do that because there is a power in the vacuum. Because of the vacuum they get together and create one power. The same way jab tum apne dimag ke vicharon ko aise khali karo ki dono mein vacuum aa jaye, shunya ho jaye, to 16 ghode ka power bhi is katore ko alag नहीं कर सकता। अब इस वॉल्व को खोल दो और फिर से एयर अंदर जाने दो तो ऑटोमेटिकली ये कटोरे एक दूसरे से लुढ़क के नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि शून्य में जो पावर होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि 16 घोड़े के समान जो पावर है इस कटोरे को एक दूसरे से अलग। दिस इज द साइंस।
यही साइंस हमारे माइंड में भी अप्लाई होती है। यदि आप अपने दिमाग के अंदर से इन तमाम विचारों को आने से रोक करके जीरो क्रिएट करो, शून्य पैदा करो, तो दिमाग के अंदर इतना पावरफुल पावर क्रिएट होने के लिए तैयार हो जाता है। उसका कारण क्या है मालूम? अब ये दोनों कटोरे इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि बाहर से हवाएं इन कटोरों के अंदर घुसना चाहती हैं, इसीलिए वह दोनों कटोरों को इतने जोर से प्रेस करती हैं, इतने जोर से एक दूसरे को दबाती हैं कि 16 घोड़े का पावर भी एक दूसरे से अलग नहीं करता। द सेम वे जब अब आप अपने दिमाग को खाली करेंगे तो आउटर फोर्सेस आपके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और वही वैक्यूम वो पावर बन जाता है जो आउटर फोर्सेस को इनसाइड आने के लिए प्रेस करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट इज द कंसीडर माई मेडिटेशन, मेरे ध्यान करने को। ये एक ध्यान है जहां आप विचारों को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, समझ रहे हैं। परंतु साम 1:2 के अनुसार मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, इसका क्या मतलब है? हिंदी में उसके लिए ध्यान नहीं आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में परमेश्वर के वचन पर ध्यान करो ये शब्द सही अनुवाद नहीं है, वरन इसको कहा जा सकता है मेरे वचन पर मनन करो। ध्यान और मनन, मनन मनन का मतलब होता है एक विषय पर कई प्रश्नों को आने देना, कई प्रश्नों को आने देना। एक ध्यान में हम विचार निकालते हैं और मनन में विचार लाते हैं, जस्ट अपोजिट। ध्यान का अपोजिट मनन। फाइव साम 5 के अनुसार वी रिमूव द थॉट्स, साम 1:2 के अनुसार वी क्रिएट द थॉट्स। रिमूविंग द थॉट्स इज ध्यानम एंड क्रिएटिंग द थॉट्स मननम, मनन। वचन को लेके नए नए थॉट्स को क्रिएट करना और ध्यान में अपने मन के विचारों को खाली करना। एक में विचार को निकालते हैं और दूसरे में विचार को लाते हैं, दोनों चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कौन से विचार लाना है? द वर्ड ऑफ गॉड। Think in line the word of God. Thinking a lot in one point is called the meditation. In Hindi, manan, not dhyana. English is so poor, you know. That's why they have a lack of word. Removing the thoughts is meditation. Putting the thoughts is also the meditation. Right, but Hindi, removing the thoughts means dhyan, and creating the thoughts in one point, hundreds of thoughts may be created in one point is called the manan. Right, hallelujah, praise the Lord. जाग रहे हो आप? बहुत गंभीर दिख रहे हैं आप। Praise the Lord. हमने सोचना शुरू किया, अच्छा बाबा, रे बाबा, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। अकेले स्थान में पहाड़ के ऊपर बैठकर, ओ आखिरी वाली बिल्डिंग में बैठ करके खिड़की से बाहर झांकते हुए, जहां देखने के टाइम पर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार ना बने, कोई चित्र ना बने, आकाश की ओर देखते देखते एक वचन के बारे में उसका दूसरा पहलू, उसका तीसरा पहलू, और सोचते जाओ, कई प्रश्न खड़ा करो, उत्तर भी खोजो, जानने की कोशिश करो। ऐसा करके 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 एक ही प्रश्न से कई प्रश्न जानकारी के रूप में जानने के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, एंड दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू
to renew your mind. This exercise will help you to collect the divine things in your mind. हैं? अब आप देखते होंगे आप एक ही पद से हर शब्द में हम एक मैसेज तैयार कर लेते हैं. हर शब्द से एक मैसेज मिल जाता है. ये सब एक्सरसाइज है. थिंक अच्छा है ना. परमेश्वर के मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड है ना. ओके ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6:4-8 व्यवस्था विवरण की किताब 6वां अध्याय और उसके 4थे पद से लेकर 8वें पद को जरा पढ़ना बेटा. ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6:4-8 4 से लेकर के 8 तक. हाँ हे इज़राइल तू ही हमारा परमेश्वर है. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम कर और जो आज्ञा और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाना सिखाया करता सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लौटते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना और उन्हें अपने हाथ की चिन्हानी करके बांधना और वे तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे दें. बाप रे बाप ये सारा सिस्टम किस बात के लिए है. परमेश्वर के टीका लगा लेना वचन का. रात दिन हाथ में ताबीज बना के रखना. 24 आवर तेरे साथ में वचन बना रहे. क्या बात है. डे एंड नाइट है. अच्छा जी ये रही परमेश्वर की वे बातें जो हमारे सामने में परमेश्वर ने रखी है. ठीक है ना. मेडिटेटिंग में क्या क्या होगा. अब फोर्थ पॉइंट में ए बनाइए. फोर्थ पॉइंट का ए मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड का फर्स्ट फंक्शन 1 ए में थिंक डीपली गहराई से सोचें. ए लगाइए गहराई से सोचें. ठीक है इसके बारे में बता दिए. नंबर 2 बी द वर्ड्स इन लिव्स. द वर्ड इन लिव्स वचन जीभ में या मुख में परमेश्वर का वचन. मुख में परमेश्वर का वचन. देखो ना बी में परमेश्वर का वचन मुंह में या परमेश्वर का वचन बोलना है ना. हमको बोलना है. क्या बोलना है. वचन. स्पीक द वर्ड. घोषणा. डिक्लेरेंस. आई एम अ न्यू क्रिएशन. मैं 16 साल का हूं. ठीक है. हाँ. ऐसे बोलना मैं बीमार नहीं पड़ूंगा. मैं परमेश्वर का आई एम द अनॉइंटेड वन ऑफ गॉड. आई एम अ प्रॉफिट. आई एम अ एपॉस्टल. आई एम अ अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. हेलो मिस्टर रामो सिंह हाउ आर यू. यू नो मिस्टर रामो सिंह हु आर यू. यस हु आर यू. आई एम द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. फॉर व्हाट यू आर इन दिस वर्ल्ड. आई एम द वन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रिंग द रिवाइवल इन इंडिया. भले ही बालाघाट बचे और मत बचे हमारा तो दर्शन इंडिया बचाने का है. राइट. स्पीक पॉजिटिव फॉर योर ओन सेल्फ. आईने के सामने खड़े होके बोलना हाउ आर यू. फाइन. ठीक है. द वर्ड ऑफ गॉड इन लिव्स. पॉजिटिव. इसको बाहर फेंक दो नदी में. मेरा मतलब यह हो गया कि वचन जो है मुंह में हो. सी वी मस्ट डू ऑल्सो. जो तुम बोलते हो उसके अनुसार करो भी. कई लोगों को बोलने का बड़ा शौक है पर करते वगैरह कुछ नहीं है.
We have lot of practice to speak the word of God, but we doesn't want to act accordingly. Right? So हमको क्या करना है? वाह 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 वाह. हाँ, बोलना और उसके बाद उसके अनुसार करना. और उसको जीवन के अंदर काम में लाना. ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमको मिलेगा फिफ्थ, पांचवा पॉइंट लिखिएगा. इंग्लिश में हमने लिखा है थिंक अपॉन द राइट थिंग्स. थिंक्स अपॉन द राइट थिंग्स. सही बात पर विचार करना. क्या करना है? सही बात पर. हम बेफिजूल की बात पर विचार करते. अभी जरा देख लीजिएगा. एक बार हम देहरादून गए, वहां बाइबल कॉलेज में हमने एक दो सेशंस लिए. वहां से एक गुरुजी टीचर, बाइबल क्लास टीचर, हमको एक किताब दिए. हम ट्रेन से आ रहे थे, हमने पढ़ना शुरू किया. इतनी मोटी किताब थी, करीब 200 पेजेस की. फिर उसके बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया थोमा के बारे में. फलाना राइटर ये बोला, अमका राइटर ये बोला, फलानी हिस्ट्री ये कहती है कि थोमा केरल आया, फिर मुंबई गया, गुजरात गया, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं मद्रास गया, वहां उसको फलाने गांव में मिला, फलाने गांव में चर्च बनाया. परंतु फिर उन्होंने अपने ओपिनियन देना शुरू करे कि अभी तक हमारे पास में इसके कोई एविडेंस नहीं है. फलाने बुड्ढे से ली गई थी ये बातें, फलाने चर्च की ये धारणा थी. एक जगह बोलते हैं कि फलानी जगह में थोमा की डेड बॉडी रही, वहां मिला. आखिरकार 200 पेज निकाल के लिख के आखिरी में वो राइटर क्या बोला, हमको भारत के किसी भी इतिहास से पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि थोमा इंडिया में आया था कि नहीं आया था. मैं बोला ये वाली किताब का आखिरी वाली लाइन पहले लिख देता तो 200 पेज की किताब पढ़ के मैं अपना दिमाग क्यों खराब करता. ए भैया, थोमा आया कि नहीं आया उससे मेरे को कोई फायदा नहीं होता, पर यीशु मरा कि नहीं मरा, अरे मसीहियत भारत में आई कि नहीं आई, पवित्र आत्मा उतरा कि नहीं उतरा, बाइबल मेरे हाथ में है कि नहीं, थोमा आया था कि नहीं आया था, इसका अनंत जीवन में मेरे लिए कोई फायदा नहीं, परंतु यीशु मारा गया बोल के ये मेरे जीवन देता तो मैं अपनी सही बात पर अपना दिमाग खर्च करूं ना. थोमा के पीछे मुझे अपने दिमाग में अरे ड्रिल मशीन से होल करवाने की जरूरत क्या है. प्रेज द लॉर्ड. जो चीज तुम्हारे आत्मिक जीवन में फायदा नहीं देती, आसानी से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दिमाग खराब मत करो. उसको पकड़ लो जो तुम्हें जीवन बदलने में मदद करता है. ज्ञान के लिए जब टाइम है ही है, पढ़ने के लिए पूरी बाइबल खत्म हो गई तब पढ़ लिया करे, परंतु उससे कोई फायदा नहीं होगा. वो फायदे वाली चीज पर विचार करो ना. हैं? तुम लगे थोमा आया कि नहीं आया प्रूव करने के लिए. इतना यदि उत्पत्ति की किताब के बारे में लिखते ना तो न जाने कितने लोगों का उद्धार हो जाता. उसमें लिखने वाले का भी उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ हमें तो ये समझ में नहीं आता. ऐसी किताबें हमारी जिंदगी नहीं बदलती. थिंक द राइट थिंग्स, मेडिटेट अपॉन द जेन्यून थिंग्स. इट विल गेट यू, इट विल हेल्प यू टू रिन्यू योर माइंड. अननेसेसरी बिना काम की बातों पर डिस्कशन करते हैं. तू कूदा थी कि नहीं कूदा था? नहीं कूदा. नहीं मैंने देखा हूं तूने कूदा था. उसको बुलाओ. जल भला वहां पैर के निशान देखेंगे. हाँ, अब लगे लेंस से तेरे पैर के निशान हैं, तू कूदा था. एक ही चीज को कूदा कि नहीं कूदा के चक्कर में पूरा मोहल्ला गवाही के रूप में खड़ा हुआ है. समझ में आ गई ना?
बिना फिजूल की बातों पर बहस करते हो भाई साहब, जिसमें कोई फायदा नहीं है। ये गार्बेज है, ये खट्टा करना है ना। जाग रहे हैं? यस। नहीं नहीं नहीं, फलाने राइटर ने लिखा है, उसका जन्म यहां हुआ था, तो हुआ तो होगा भाई, पैदा हुआ था कि नहीं, यहां हुआ हो या वहां हुआ हो, राइटर को भी मालो गोली, राइटिंग है ना, बस उसी से मतलब रखो। ओह, थिंक अपॉन द राइट थिंग्स। अभी कौन कौन से विषय हैं जो सही हैं, जो हमारे मन बदलाव में मदद करते हैं? इन विच टॉपिक्स वी हैव टू मेडिटेट विच हेल्प यू टू रिन्यू योर माइंड इनिशियली, एस ए द होल बाइबल हेल्प अस टू इंक्रीज द फेथ अपॉन गॉड, बट सम पर्टिकुलर पॉइंट इज देयर इन द बाइबल विच इनिशियली हेल्प अस सो वी कैन रिन्यू अवर माइंड। सो जू इन दीज सब्जेक्ट वी हैव टू बी मेडिटेट एंड थिंक एंड लाइन द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर वन ए ट्रुथ, एक सत्य, ऐसे विषयों पर विचार करो, सत्य। जॉन 17:17, परमेश्वर का वचन सत्य है। 17:7, द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ, ठीक है, सत्य को खोजते रहिए। बी ऑनेस्टी, विश्वास योग्यता, ऐसे वचनों पर याद रखें। जस्टिस, न्याय। डी प्योरिटी, शुद्धता, होलीनेस, परफेक्शन। ऐसे सही सही विषयों पर ध्यान करना। समझ में आ गई? ऐसे विषयों को क्या करना है, हमें ध्यान करना है। अभी हमने एक बहुत अच्छी चीज लिखा, वी विल नेवर हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट इफ वी विल अलाउ इन प्योर मैटर टू ऑक्युपाई आवर थॉट्स। आपको मसीह का स्वभाव उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अशुद्ध विषयों को अपने मन के अंदर आने से रोकथाम ना करें, ठीक है। वी विल नेवर हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट इफ यू विल अलाउ द अनप्योर मैटर, इनप्योर मैटर टू ऑक्युपाई आवर थॉट्स। ऐसे विषयों को जो अशुद्ध समझे जाते हैं उनको अपने दिमाग में आने से, रोकने से आप अपने मन को बदल सकते हैं। और यदि वे बिना उपयोगी विषय आपके लिए चर्चा का विषय है तो आपको बार बार मन के नवीनीकरण और मसीह यीशु के स्वभाव को पाने से ये रोकेंगे। इसलिए ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी बहस, ऐसे विषय जिसका कोई सिर और पैर और पूंछ और पंखे नहीं है, उस पर आर्ग्यूमेंट करके अपना समय, अपना दिमाग और अपनी शांति और अपना आनंद बेकार ना करें। अनप्योर मैटर, अननेसेसरी डिस्कशन, यूजलेस एंड फिल्थली सब्जेक्ट पर डिबेट, स्टॉप इट। दिस ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विल स्पॉइल योर द पीस एंड जॉय एंड यू विल नॉट हैव द क्राइस्ट माइंड।
You are not worthy to create the Christ nature in your life if you'll talk about the unpure matter. Right? Bina faltu ki behas nahi karna. Ye vishay hai jin par vichar karne hai. E. Pyar ke baare mein baat karo. Lawlessness. Love. You talk about the love of God. Talk about the lovely things. Oh dear brother, I love you. How much you love? Oh, so much I love you. Talk about the loving things. जो एक दूसरे को प्रसन्न करती हैं, जो अच्छी लगती हैं, हाँ? Encourage you बात कीजिएगा, हाँ? वो आपको मन को स्मूथ बनाएंगी. मरे गड़े की बात, अरे मैं जा रहा था वहां डेड बॉडी पड़ी थी, उसका कुत्ता ना पैर ले जा रहा था, ये सब बता के तुम्हारा तो हो ही गया है खराब, हमारा क्यों करने के लिए तुले हो तुम. डेड बॉडी को कुत्ता ले जा रहा था, ले जा लेना, अपनी मक्खी अपने दिमाग में रख, हमारे जिम्मे दिमाग में क्यों डालता. मैं जा रहा था ना, ऐसा हुआ. फालतू फालतू की चीजें डाल करके इनप्योर मैटर्स को हम अपने जीवन. लव की बात करो. ओ आप कितने अच्छे हैं, हा हा, आप आगे बढ़ो ना, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना. लव, इन विषयों पर प्यार को कौन घटा देता है, प्यार कैसे बढ़ सकता है, इन विषयों पर मेडिटेशन कीजिए, इन विषयों पर बातचीत कीजिए, इन विषयों पर याद कीजिएगा. हमारी बुराइयां भूल जाइए, हम कहां कहां अच्छे हैं वो प्रतिमा लेके जाइए. अरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, हमारी कौन कौन सी खूबियां हैं वो लेके जाना, हमारी गलतियों को यहीं छोड़ जाना. अरे क्या नीचे सुलाए थे, वहां तो पानी भी नहीं था, बाथरूम में हम गिलास लेके नहाए थे, वहां मग्घा भी नहीं थी, दिमाग खराब, बुला लेते हैं जरा सा, मग्घा खरीद के नहीं ला सकते, है ना. अरे नहाए कि नहीं, मग्घा था तो ठीक और नहीं था तो ठीक, हमारे दिमाग में आई नहीं बात, हमने मग्घा नहीं रखा, आपने गिलास से नहाए, पर नहाए ना, हम बस खेल खत्म. हालेलुया. अनप्योर मैटर को निकाल दो, हाँ? हमने कितनी अच्छी बात बताई तुमको, उसको ले जाओ. हो सकता है यहां आपकी चप्पल चोरी हो जाएगी, कोई बात नहीं, नहीं खरीदो, पुरानी जाएगी तभी ना नहीं आएगी. और नहीं तो जब तक घसेगी तब तक तुम छोड़ने वाले और तब तक नहीं आने वाली, हाँ. ले जाए तो धन्यवाद दो, ठीक है. लाइट नहीं है, रात भर आप सोए नहीं होगे, है ना. अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं था. अब जितना डीजल था उतना जल लिया बेचारा, अब खत्म ही हो गया. अब वो भी तो हाथी के समान पीता है, दो घंटा, एक घंटे में तीन तीन लीटर डीजल पी लेता है. अब हम कहां तक डीजल डालें, आप ही बताइए. इधर तो आदमी का डीजल नहीं मिल रहा है, उसका डीजल कहां से डालें. हालेलुया. हम चाहते थे रात भर जनरेटर में आपको सुलाएं, परंतु उसका रात को डीजल ही खत्म हो गया. प्रेज द लॉर्ड. जाग रहे ना. सो अच्छी बातें, लविंग बातें, प्रेम की बातें, हाँ, हमारी डांट को भूल जाओ, हमारे प्यार को अपना दिल में ले जाओ, है ना. डांट आपकी भलाई के लिए.